Assalamualaikum, this is Mohammed Ahmed Aftab. Welcome to another episode of Foodcast. आज हम आए हैं गुजरांवाला के अल मशहूर अब्दुल गनी पाए वालों के पास। और हमारे साथ फिर से मौजूद हैं फूड ब्लॉगर हुज़ैफ़ा आफ्ताब। तो उनसे जानते हैं कि भाई हम गुजरांवाला तो जा नहीं सके, वो लाहौर आ गए हैं, तो अब क्या ख्याल है आपका इस बारे में? यार मैंने इनके पाए के बारे में बड़ा सुना था, तो आप टेस्ट करके बताएंगे इनका नाम ही है या सिर्फ टेस्ट भी है? अच्छा जी, तो मेन्यू आ चुका है, मैं मेन्यू पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद हुज़ैफ़ा भाई ऑर्डर देंगे। अगला पाया, पिछला पाया, मगज, खद, जुबान, मटन मछली, देसी मुर्गा, ये इनकी होगी खाने की चीज़ें। उसके बाद नान शुरू हो जाते हैं, सादा नान, तिल वाला नान, स्पेशल नान, रोगनी नान। इनके पाए के बारे में सुना तो इनका ये मंगवा लेते हैं अगला पाया, और साथ मंगवा लेते हैं यार मगज मंगवा लेते हैं। यार मगज मैं इसलिए मंगवाऊंगा क्योंकि मेरा मगज तो बहुत खाली हो चुका है बोल बोल के। अच्छा जी, तो पाए भी आ चुके हैं, मगज भी आ गया है, तो मैं चाहता हूँ फूड ब्लॉगर को पहले टेस्ट करवा देते हैं। हालांकि रहा मुझसे भी नहीं जा रहा, लेकिन चलो पहले टेस्ट कराते हैं भाई। यार इसका पाए वाकई अच्छा है और ये नाम पे पूरा उतरे जैसे हमने सोचा था वैसे निकले। अब ये मगज आ गया, ये मगज खाने लगा, ये मैं ट्राई करके बताता हूँ कैसा है। मेरा मगज खाने के बाद मैं ये कहूंगा कि यार जो बीवियां अपने शोहरों का मगज खाती है ना, वो काइंडली यार इसका मगज खा लें, आपको खाना भूल जाएगी। इतना जबरदस्त है यार, कमाल हो गया, बाकी मजा आ गया। अच्छा जी, तो खाना हमने खा लिया है और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे हाथ अभी तक चिपक रहे हैं। पाए के सही पके होने की यही निशानी है कि हाथ उसके अंदर चिपकते रहते हैं। और खाना बहुत अच्छा था, पका भी बहुत अच्छा था, और गोश्त की कोई वो स्मेल वाली फील नहीं थी, तो ये चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी। अगर पाए की कॉस्टिंग की बात कीजिए, वो मैं 650 का पड़ा और साथ हमने मगज मंगाया तो वो हमें 600 का पड़ा था। ओवरऑल रेस्टोरेंट का ये रिव्यू है कि यार इसकी सीटिंग प्लेस भी अच्छी है और इनका टेस्ट भी अच्छा है और इनकी सर्विस भी अच्छी है, तो हम इसको रिकमेंड करेंगे, आप एक बार जरूर ट्राई करें। फैमिली के साथ भी आए हैं, दोस्तों के साथ भी हैं। हम सब ने बचपन में ये पढ़ा था ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल, लेकिन गुजरांवाला के जो बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा था बी फॉर बोटी, जी फॉर गोश्त और पी फॉर पाया। तो जिसने ये पाया नहीं खाया उसने कुछ नहीं पाया। मेरी रिकमेंडेशन है आप जरूर आए यार, बहुत कमाल चीज़। अच्छा जी, तो हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल गनी साहब के पोते और इस रेस्टोरेंट के ओनर अबू बकर साहब। तो जी अबू बकर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्लाह का करम। अच्छा ये बताइए, आपका ख्याल लाहौर में ब्रांच खोलने का कैसे आ गया कि यार लाहौर? भाई माशाल्लाह हमारी 70 साल से ये शॉप है, हमारे पास बहुत से कस्टमर ऐसे थे जो लाहौर से आते थे, बिल्कुल वो बार बार हमें एक ही बात कहते थे कि भाई आप हमारे पास आए, हमारे शहर में लेके आए, इस ब्रांच को ओपन करें। तो हमने भी सोचा कि इस काम को क्यों ना एक्सपेंड किया जाए, तो इसलिए फिर हम लाहौर में तशरीफ ले। आपने बहुत अच्छा काम किया, यकीन करें हमें इतना ट्रैवल करके गुजरांवाला जाना पड़ता था, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा हो गया। और दूसरा मुझे बताएं कि ये खाना जो है वो कहाँ से? गुजरांवाला से पक के आ रहा है? ये खाना गुजरांवाला से पक के आता है, हमारी सबसे पहली और सबसे पुरानी ब्रांच है जहाँ से हमने हाजी अब्दुल गनी की शॉप का आगाज किया। बिल्कुल सही है, मेरे दादाजी ने ऐसे ही है गुरु नानकपुर से, वो मेरे वाले साहब के पास है, मेरे वाले साहब वहाँ होते हैं और हमारा सारा ए टू जेड चार शॉप्स है हमारी, सबका वहाँ से पक के आता है माशाल्लाह। अच्छा ये बात हकीकत है कि इनका स्टैंडर्ड वही है, जो गुजरांवाला में टेस्ट था वही लाहौर का है, ये सबसे बड़ी बात है।